फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं डीबग कार्ड के ऊपर। डीबग कार्ड में हमें कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए, कौन सा हम यूज़ करें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और कौन सा डीबग कार्ड जो है वो सभी पे सपोर्ट करता है और मल्टीपर्पज़ है, किस किस तरीके से हम उसे यूज़ कर सकते हैं, आज हम उसी के ऊपर बात करते हैं। डीबग कार्ड में आपको काफ़ी वेराइटी मिल जाएंगी, जो आपकी स्टार्टिंग में आप जो बेसिक आपका वर्किंग सीख रहे हैं वो देखिए सबसे ज़्यादा यही यूज़ करते हैं। बेसिक जो डीबग कार्ड आता है ये 4 डिजिट के अंदर काफ़ी वेराइटी, इसमें रेड कलर का डीबग कार्ड ही बोलते हैं इसे। तो ये आपका बेसिक डीबग कार्ड है जो कि सभी मोस्टली आपको यूज़ करते हैं जो स्टार्टिंग होता है जिनका। तो बाद में फिर एक और डीबग कार्ड आता है, ये मॉडल मिल जाएगा, वेरी आपको मॉडल्स तो आपको काफ़ी मिल जाएंगे डीबग कार्ड के अंदर। तो इसके अंदर ये मॉडल आता है TL611 प्रो मॉडल है, UEFI BIOS डीबग ELF मल्टीपर्पज़ डीबग कार्ड। ये भी आपको एक्सप्रेस कार्ड मिलता है और आपका PCI स्लॉट पे भी यूज़ होगा और मिनी PCI स्लॉट पे भी यूज़ होगा। तो दूसरा हम सॉरी तीसरा अब हम यूज़ करते हैं, मार्केट में आया फिर रेड वाला डीबग कार्ड, आपने भी काफ़ी यूज़ किया होगा। इसके अंदर दो वेरिएंट आते हैं, एक नॉर्मल आता है विदाउट ब्लूटूथ कनेक्ट वाला और एक आता है ब्लूटूथ से कनेक्टेड वाला। तो ये ब्लूटूथ से कनेक्टेड वाला है, बाकी इसे भी हम कैसे किस तरीके से यूज़ करेंगे ये भी हम बात करेंगे। ये आपका EC स्लॉट है और ये आपका PCI एक्सप्रेस स्लॉट है, इसे भी हम यूज़ करके बताएंगे किस तरीके से इसका यूज़ होगा। तो हम बात कर रहे थे किस तरीके से इसे यूज़ करेंगे। तो इसके बाद एक मार्केट में नया डीबग कार्ड आया है जिसके बारे में आज बात करेंगे हम। आपका डीबग कार्ड ये सारे PCI स्लॉट्स वगैरह पे चलेंगे। अब जो नया मार्केट में आया है वो आपको रैम स्लॉट पे चलेगा। तो रैम स्लॉट आपके सभी के सभी डेस्कटॉप में होते हैं, सभी कोई भी बोर्ड हो आपका DDR2 हो 3 हो 4 हो सभी में रैम स्लॉट तो रहेगा। तो रैम स्लॉट पे अगर डीबग कार्ड चलेगा तो इससे बेस्ट ऑप्शन कुछ नहीं है कि सपोर्टिंग का कोई फंडा ही नहीं रहेगा। तो देर ना करते हुए हम बात करते हैं, दिखाते हैं इस डीबग कार्ड को। आप जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि हमारे जो टेक्नीशियंस भाई हैं, जो टेक्नीशियन हैं सारे इंजीनियर हैं, वो इस वीडियो से कुछ प्रॉफिट उन्हें मिले, कुछ नॉलेज उन्हें मिले और वो भी ये देख सकें कि नया डीबग कार्ड कौन सा मार्केट में चल रहा है और हमें कौन सा डीबग कार्ड परचेस करना चाहिए। तो मार्केट में जो नया डीबग कार्ड आया है वो ये आया है, जी हाँ, DDR3 और DDR4। ये भी आपका डीबग कार्ड है, ये रैम स्लॉट पे चलेगा और सभी के सभी मॉडल्स पे सपोर्ट करता है, क्योंकि इसमें बेनिफिट ये है कि आपको PCI कार्ड की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, PCI स्लॉट पे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे डायरेक्ट DDR3 रैम स्लॉट पे लगाइए, DDR4 रैम स्लॉट पे लगाइए और ये डायरेक्ट आपको कोड बताएगा, जिससे कि आपको मदरबोर्ड रिपेयर करने में ईजी हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम ही फेस नहीं होगी कि सर ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये दिक्कत आ रही है। आपके ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो देर ना करते हुए हम चलते हैं लैब में, अपने भाई की लैब में, और देखते हैं कि किस तरीके से इसे यूज़ करेंगे, क्या क्या इसमें फ़ीचर्स मिलने वाले हैं, क्या क्या ये कोडिंग बताएगा और किस तरीके से इसके हम कनेक्शंस करेंगे। तो चलते हैं वीडियोस को लेकर नेक्स्ट लेवल पे, तब तक के लिए हमारी बात ही थी। मैंने आपको कहा था कि लैब के अंदर आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तो ये हमारा डीबग कार्ड जो नया लेटेस्ट आया अभी मार्केट के अंदर, तो अभी हम इसे यूज़ करके देखेंगे और किस तरीके की इसकी क्वालिटी है वो भी हम चेक करते हैं। और मैं आपको दोनों चीज़ों पे दिखाऊंगा, आपको जो वर्किंग मदरबोर्ड है वर्किंग मदरबोर्ड पे भी लगा कर देखेंगे और जो आपको फॉल्टी मदरबोर्ड है उसके अंदर भी हम यूज़ करके देखते हैं। तो अभी हम पहले वर्किंग मदरबोर्ड है हम उस पर लगा कर देख रहे हैं और देखिए आप लाइव रहिए वीडियो के अंदर और देखते हैं किस तरीके से हम इसे यूज़ करेंगे। तो अभी हम SMPS से कनेक्ट कर रहे हैं फिलहाल, अभी हम इसे डीबग कार्ड को लगा लेते हैं रैम स्लॉट पे, क्योंकि कुछ डीबग कार्ड होते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं कि PCI स्लॉट पे हम यूज़ करते हैं या फिर हम यूज़ करते हैं आपका मिनी PCI पे। तो ये जो लेटेस्ट डीबग कार्ड आया है उसे आप यूज़ करेंगे रैम स्लॉट पे। तो मैं आपको वीडियो के अंदर दिखाता हूँ, ये देखिए डिस्प्ले मोड इसमें आ गया है, आपको नंबरिंग आ गई है तो इसका मतलब इसमें, और बजर साउंड आया तो इसमें डिस्प्ले ओके है। तो अभी हम इसमें आपको मैं दोबारा एक बार और दिखा देता हूँ, अभी हमने इसमें रैम स्लॉट पे लगाया हुआ है और रैम स्लॉट पर लगाने के बाद आप इसकी वीडियोस देख सकते हैं, देखिए परफेक्ट एकदम। तो अभी मैं आपको दूसरा जो मदरबोर्ड है हम उस पर भी लगा के दिखाएंगे कि फॉल्टी मदरबोर्ड पे किस तरीके का इश्यू क्रिएट होता है।
अभी हमने सबसे पहले इसमें से रैम हटा लिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी हमने रैम हटा लिए, तो रैम हटाने के बाद अब हम वीडियो में देखते हैं कि इसमें क्या कोडिंग आती है। देखिए देखिए कंटिन्यू बजर हो रहा है और कोडिंग भी शो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका रैम सेलेक्ट नहीं हो रही है, इस वजह से ये इश्यू क्रिएट हो रहा है। तो जैसे भी आपने देखा है मार्केट में काफ़ी डिबग कार्ड आ रहे हैं और इश्यू क्रिएट होता है, और सभी कहते हैं कि सर कोई लेटेस्ट डिबग कार्ड लेके आइए जिसमें सभी के सभी मदरबोर्ड सपोर्ट करेंगे, तो उसी का ही ये एक नया रिज़ल्ट है। देखिए अभी हमने इसके अंदर रैम लगा दी और रैम लगाने के बाद ये प्रॉपर डिस्प्ले में आ रहा है और बजर साउंड कोई भी नहीं चल रहा है। तो मैं अब आपको एक फॉल्टी मदरबोर्ड है जो कि जिसमें इश्यू क्रिएट है, तो अभी हम उसे यूज़ करके देखेंगे। ये भी मदरबोर्ड है आपका H61, जैसा कि आप देख सकते हैं ASRock का H61 मॉडल है, और अभी हम इस पे देखेंगे कि डिबग कार्ड यूज़ करने के बाद कि किस तरीके से इसमें वर्क करेगा। तो मैं इसे कनेक्ट कर लेता हूँ, दूसरा वाला बोर्ड मैंने हटा दिया है, और अभी हम दूसरा जो आपका ये फॉल्टी मदरबोर्ड है ये मैं कनेक्ट करा लेता हूँ इस पे। तो इस पे अभी हमने लगा लेते हैं SMPS के केबल कनेक्शन कर लेते हैं। कनेक्ट करने के बाद अभी हम डिबग कार्ड ये लगाएंगे इसके अंदर। देखिए कुछ जो बोर्ड्स हैं आपका इश्यू क्रिएट होता है कि सर डिबग जो है PCI पे ही चलेगा, तो रैम इस डिबग कार्ड का सबसे अच्छा बेहतरीन ऑप्शन क्या है कि आप इसके अंदर जो है रैम स्लॉट पे यूज़ कर सकते हैं, और रैम स्लॉट सभी मदरबोर्ड में रहेंगे तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। देखिए अभी हमने ऑन कर देते हैं इस बोर्ड को, ये देखिए। तो इसमें भी H61, सभी कहते हैं सर H61 पे सपोर्ट नहीं करता है, H61 पे सपोर्ट नहीं करता है, ये सभी पे सपोर्ट कर रहा है क्योंकि रैम स्लॉट सभी मदरबोर्ड में रहेगा तो कोई भी इश्यू क्रिएट नहीं होगा और सभी पे ये सपोर्ट करता है। ये लेटेस्ट है, DDR3 में भी सपोर्ट करेगा, जो बोर्ड DDR4 में है तो DDR4 में भी सपोर्ट करेगा। तो आपका अगर कोई भी मदरबोर्ड है डेस्कटॉप से रिलेटेड ये सभी में सपोर्ट करता है। बात करते हैं हम लैपटॉप की, अगर लैपटॉप से रिलेटेड अगर इश्यू क्रिएट होता है, और अगर आपको लैपटॉप में भी डेस्कटॉप में जिसमें आपका DDR2 का बोर्ड है, अगर आप कहते हैं कि सर DDR2 में हम कौन सा यूज़ करेंगे, तो DDR2 में हम ये वाला मॉडल यूज़ करेंगे, और इसे कनेक्शन किस तरीके से करना है वो कनेक्शन भी मैं आपको बताऊँगा। ये आपका PCI पे यूज़ करेंगे और ये PCI Express पे, और कनेक्शन के रिगार्डिंग मैं आपको बताया था, 2-3 इसमें केबल होंगी, वो केबल हम कनेक्ट करके आपको जरूर अभी इस वीडियो में दिखाते हैं। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था इसे कार्ड को हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, अभी हम बात करते हैं जो हमारा PCI Express कार्ड है, इसे ये दोनों कार्ड को हम किस तरीके से यूज़ करेंगे कोडिंग के लिए। जैसे कि आप पहले भी यूज़ कर रहे थे तो ये वाला कार्ड जो है वो एंड्रॉयड वर्जन था और मोबाइल से कनेक्ट करके ब्लूटूथ से कनेक्ट करके आपको कोडिंग शो करता था, लेकिन अभी हम किस तरीके से कनेक्ट करेंगे मैं आपको इसका कनेक्शन बता देता हूँ। इसमें दोनों साइड है, देखिए एक साइड इसमें कोड फीचर दिया हुआ है यहाँ पर, ये कोड फीचर के लिए, और दूसरा यहाँ पर ऐप के लिए। तो ये हमें ऐप में यूज़ नहीं करना है, हमें यूज़ करना है केवल कोड पे। तो कोड पे एक वायर इसकी यहाँ पर आ गई है, ये वायर हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिए, और दूसरी वायर हमने जो इसका EC मोड है यहाँ पर, ये EC मोड में हम इसे कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट करने के बाद जो हमारा मदरबोर्ड है, अभी हम मदरबोर्ड पे हम इसे चेक करेंगे किस तरीके की इससे कोडिंग शो होगी। अभी फ़िलहाल हम बोर्ड के अंदर रैम नहीं है तो विदाउट रैम पे हम इसे चेक करेंगे। अभी हमने इसे कनेक्ट कर लिया PCI Express पे, और आप देख सकते हैं, देखिए बज रहा है, और रीडिंग में जो आप देख सकते हैं ये स्टक हो गया है। अभी फ़िलहाल हम रैम लगा के देखते हैं कि रैम लगाने के बाद हमारी रीडिंग शो होती है, अप डाउन होती है नहीं होती है। तो अभी हम फ़िलहाल रैम स्लॉट में लगा लेते हैं रैम, और रैम स्लॉट पर रैम लगाने के बाद ये देखिए हमने बोर्ड को ऑन कर देते हैं। ऑन करने के बाद डिस्प्ले ओके। तो अभी आपको मैंने तीन चीज़ पे आपको दिखा दिया है, दो चीज़ों पे आपको। एक तो रैम के थ्रू आप इसे यूज़ कर सकते हैं DDR3 और DDR4, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लेटेस्ट डिबग कार्ड है। दूसरा आपका PCI Express पे, और नॉर्मल जो आपका PCI जो स्लॉट होता है आप उस पर भी इसे ईजिली यूज़ कर सकते हैं। यदि आप ये प्रोडक्ट परचेज़ करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।
रिपेयरिंग से रिलेटेड आपको यहाँ पर सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए हम टेलीग्राम ऐप पर सर्च में BR इन्फोटेक मेरठ टाइप करेंगे और रिफिक्स टूल आइकन वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। आपको यहाँ पर सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे।